हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेलवे की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिन बाद ये वीडियो पोस्ट किया जा रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर आप लिखिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ हम बात करते हैं पेलेटाइजिंग ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर, जैसा कि आप जानते हैं कि आयरन ओर की माइंस होता है, पहाड़ियाँ होती हैं जिसमें से काफ़ी हाई क्वालिटी का आयरन ओर निकाला जाता है, जिससे कि आपका जो भी स्टील का प्रोडक्ट बना होता है जो हम यूज करते हैं आप देखते होंगे। तो फटाफट मैं बता देता हूँ एक ब्रीफ समरी कि कैसे ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो आयरन ओर को माइन से निकाला जाता है, उसके बाद जो है कुछ पेलेटाइजिंग इंडस्ट्री होती हैं वो आयरन ओर को पेलेटाइज करती हैं। पेलेटाइज करने का मतलब कि छोटा छोटा गोली के रूप में उसको बना देती हैं, जो टिपिकली आपका 6 से लेकर 16 मिलीमीटर तक उसका डायामीटर होता है, ना उसका साइज होता है। वो कैसे बनाया जाता है? आयरन ओर को लिया जाता है, उसके साथ लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ओलिवाइन एंड बेंटोनाइट को मिक्स कर दिया जाता है, और फिर उसको थोड़ा हार्ड बनाया जाता है हीट अप करके, और फिर ऐसे छोटे छोटे गोली के रूप में ये बन जाता है, जो कि ब्लास्ट फर्नेस के लिए, ब्लास्ट फर्नेस जो कि आपका आयरन स्टील की जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री होता है उसके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। तो ये देखिए किस तरीके से एन बॉक्स, जो कि एक आपका ओपन बॉक्स है, ओपन आपका वागन है, उसमें ये लोड होता है, और लोड होने के बाद ये आयरन एंड स्टील कंपनीज को डायरेक्टली चला जाता है। तो आप देख सकते हैं ये कितना हैवी प्रोसेस है, कितना लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है। इसको ध्यान रखते हुए ये चीज़ जो है लोडर से लोड किया जा रहा है, और ये डायरेक्टली जो है आयरन एंड स्टील कंपनी में जाएगा और उनके ब्लास्ट फर्नेस में ये पड़ जाएगा। इसके साथ कुछ एडिटिव जोड़ा जाता है, कोक वगैरह, और ये करके फिर इस प्रोसेस को पूरा किया जाता है, और फिर लास्ट में ये बिल्कुल पिघलता हुआ आयरन, पिघलता हुआ स्टील की तरह ये निकलेगा, और फिर उसको जो भी शेप देना होता है वो शेप दे दिया जाता है। तो बहुत ही ये नॉलेजफुल प्रोसेस है और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। कभी आपको मौका मिलता है देखने के लिए तो आप ज़रूर उस एरिया में विजिट करिएगा, देखिएगा। आयरन ओर की बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आपको हासिल करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपको इसकी जानकारी दी जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेरी हो वो आप ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए और पूछिए, हम आपको बताएंगे। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, इसको देखिए, समझिए, और कोई डाउट हो तो पूछिए। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।